हेलो गाइस, मेरा नाम है निष्कर्ष और आज मैं आपको अपनी अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 7 to 8 मार्क्स इंक्रीज हो जाए तो अपने साथ एक कॉपी एक पेन लेके बैठना। ठीक है, मैं आपको अपनी मिस्टेक्स बताता जाऊँगा, आपको उनको पेपर पर लिखते जाना है। ठीक है, और वीडियो के एंड में जब भी आप सारी मिस्टेक्स लिख जाए आपको वो पेज फाड़ना है और जहाँ पर भी आप पढ़ते हो उसके सामने चिपका देना है। ठीक है, तो ऐसे आपको बार बार दिखेगी तो आपको याद रहेगा कि आपको एग्जाम में क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट का ए है, ये आप देखते हैं मैंने कैसे डाला है क्वेश्चन नंबर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फर्स्ट के ए में जो ट्रू फॉल्स होते हैं, मेरे को फर्स्ट में 2 मार्क्स मिले हैं, सेकेंड में भी 2 मिले हैं, थर्ड में भी 2 मिले हैं, फोर्थ में भी 2 मिले हैं और फिफ्थ में 1 मिला है और सिक्स में 2 मिला है। ठीक है, तो मैं पहले आपको ICA का भी सर्टिफाइड आंसर दिखा देता हूँ, फिफ्थ वाले का जो मेरा गलत है, जैसे मेरे को 1 मार्क्स ही मिला है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे तो मेरा ट्रू फॉल्स तो ठीक है बट मेरा जो रीज़न है वो गलत है। ठीक है, तो अपनी जो भी आपने कॉपी ली है उस पर ध्यान रखना, लिख लो कि ICI के लिए ICI के एग्ज़ाम कॉपी में रीज़न भी हमें सही लिख के आना है, क्योंकि वरना आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम फर्स्ट के बी पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 शॉर्ट नोट थे, 2-2 मार्क्स के। ठीक है, बट मेरे को इसमें 2 ही मार्क्स मिले हैं बिकॉज मैंने इसमें काफ़ी कम लिखा है। मैं आपको ICI का अभी आंसर दिखा देता हूँ, तो देख लो आप, इस ICI ने काफ़ी बड़ा लिखा है बट मैंने यहाँ पे कम लाइन लिखा है। मैंने लिखा सही है बट थोड़ा कम लिखा है, इस वजह से मेरे को 1-1 मार्क्स काट लिया है। ठीक है, तो ये आप गलती में नोट कर लेना कि शॉर्ट नोट में आपको कम से कम में आपको क्या करना है, पूरा शॉर्ट नोट याद करना है और जब एग्ज़ाम में लिखो तो उसके ना छोटे छोटे 2 पैराग्राफ बना देना। ठीक है, तो वो ICI वाले जो देंगे वो 1-1 पैराग्राफ पे 1-1 मार्क्स दे देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, 4-4 लाइन के 1-1 पैराग्राफ बना दोगे आप 2 पैराग्राफ तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये फर्स्ट का सी है, ये ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन था, इसमें मेरे को पूरे 4 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन में 20 में से 17 मार्क्स मिले हैं। चलिए गाइस, हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड का ए था, डेप्रिसिएशन का जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। तो इसमें मेरे को समझ नहीं आया था, मेरे को 20 मिनट्स में करना था ये सॉल्व बट मैंने 45 मिनट्स वेस्ट कर दिए थे। ठीक है, तो इस वजह से मेरे को लास्ट में टाइम कम पड़ गया था और ये मेरे को क्वेश्चन सही से हुआ भी नहीं था। मुझे लगा था ये पूरा क्वेश्चन कट जाएगा बट ICI ने स्टेप मार्किंग में इसमें भी मेरे को 8 मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, 10 में से 8 दिए हुए हैं, आप देख लो मैंने 4 पेजेस भरे हैं बट ये 1 पेज का ही क्वेश्चन था। मैं आपको ऑफिशियल आंसर भी दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, तो इसमें ध्यान रख लो, अपनी गलतियों में लिख लो कि आपको कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है, जो मतलब ज़्यादा टाइम आपको उस पर एक क्वेश्चन पर वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, टाइम कैसे क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन को मतलब कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है इसकी वीडियो मैं आपको एग्ज़ाम टाइम पर दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये सेकंड का बी था, तो जैसे कि मैंने बताया ये मतलब टाइम कम पड़ गया था तो ये मैंने लास्ट में कर नहीं पाया था। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर भी उन्होंने मेरे को 1 मार्क्स दिया इसमें। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थर्ड है, BRS का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का था, ये मेरे को पूरे मार्क्स मिले हैं इसमें। तो मेरे को सेकेंड क्वेश्चन में मिले हैं 20 में से 14 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का ए है, कंसाइनमेंट अकाउंट जो 10 मार्क्स का था, तो इसमें आप देख सकते हैं मेरे को अकाउंट में 8 मार्क्स मिले हैं और एस अकाउंट में मेरे को 2 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे को पूरे 10 मार्क्स मिले हुए हैं। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड का बी है, सेल ऑफ गुड्स रिटर्न। ठीक है, तो इसमें मेरे को एंट्रीज में 3 मार्क्स मिले हैं पूरे और बैलेंस शीट में 1 मार्क्स मिला है। ठीक है, तो इसमें मेरी एक मिस्टेक थी, जो बैलेंस शीट का टोटल है वो मैंने गलत निकाला है तो इस वजह से मेरा 1 मार्क्स कट गया, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऐड 1,80,000। ठीक है, तो इस वजह से मेरा 1 मार्क्स कट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो थर्ड का सी था, अकाउंट करंट, जिसमें मेरे को पूरे 5 मार्क्स मिले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में मेरे को 20 में से 19 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट मैंने 6th क्वेश्चन करा था, जो कंपनी अकाउंट्स का है, जिसका वेटेज 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रही है मेरी सारी एंट्री सही है। आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि फॉर्मेट का हर पेज पे पार्टिकुलर्स, डेट वगैरह सब लिखा है। ठीक है, तो आपको भी वो लिखना है प्रॉपर और हर एंट्री के बाद एक लाइन छोड़ देना,
ठीक है, ताकि वो क्लीन दिखे। तो इसमें मेरे को पूरे 13 मार्क्स मिले हैं, और वर्किंग नोट है जिसमें मेरे को 1 मार्क्स मिला। यहाँ पे मेरा वर्किंग नोट का 1 मार्क्स कटा है, मैं आपको ऑफिशियल का ऑफिशियल वर्किंग नोट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 मार्क्स कटा है, तो आप ध्यान रखना कि वर्किंग नोट का नोट अच्छे से बना के आना है आपको, ठीक है, प्रॉपर वे में। यहाँ पर मैंने अपने तरीके से बनाया था, तो यहाँ पर मेरे को 1 मार्क्स कट चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, तो नेक्स्ट है 6th वीक। ये था शॉर्ट नोट जो 5 मार्क्स के थे, बट मैंने आपको बताया मेरा टाइम कम पड़ गया था, तो ये मैं नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन में मुझे 20 में से 14 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मैंने लास्ट में 4th को छोड़ दिया था, 5th करा था, ठीक है। तो 5th में 20 मार्क्स का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा मतलब ये क्वेश्चन मोस्टली गलत ही है, क्योंकि मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगना था, जो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालना था, बट मैंने उसको PNL में डाल दिया था, ट्रेडिंग और PNL में डाल दिया था, ठीक है ना। तो इस वजह से मेरा ये आंसर गलत आ रहा था, बट फिर भी ICAI ने स्टेप मार्किंग में मेरे को देखोगे आप तो 16.5 मार्क्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा काफ़ी कुछ गलत था, ठीक है। मैं आपको ऑफिशियल आंसर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ तो गाइज, मैंने आपको अपनी कॉपी दिखा दी है। आई होप आपने जो भी मैंने मिस्टेक बताई वो आपने नोट कर ली होगी, ठीक है, और उसको क्या करना है वो मैंने आपको बता ही दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप जो भी इसकी मेरी कॉपी के PDF है, उसकी PDF और जो इसका ऑफिशियल आंसर है, इसका क्वेश्चन पेपर है, वो तीनों मैं आपको कमेंट में लिंक पिन कर दूँगा, आपको तीनों वहाँ से मिल जाएंगे। आप एक बार और रीचेक कर लिएगा कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे लिखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो को देखने के बाद आपके कम से कम 7 to 8 मार्क्स इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने मिस्टेक कहा है फाड़ के चिपका लेना जहाँ पे भी आप पढ़ते हो उसके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, और वीडियो को एक लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।